नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूँ रामरूप शर्मा, और ये जो मैं वीडियो आज बच्चे लिख के आया हूँ वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि उन 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो CBSE बोर्ड में है। तो CBSE बोर्ड में जो टर्म 2 का पेपर है वो 40 मार्क्स का है, आपको पता होगा। और पूरा का पूरा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि कोई MCQ इस पेपर में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मार्किंग सिस्टम यानी कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता होगा कि 6 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क के जो है वो भी 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो होंगे वो आपके केस स्टडी टाइप के होंगे और उसके 2-2 पार्ट होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि तैयारी कहां से करें, तो तैयारी आप बहुत सारी बुक से कर रहे होंगे, RD शर्मा से कर रहे होंगे, RS अग्रवाल से कर रहे होंगे और बहुत सारी बुक से आप लोग कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं कि आपका टर्म 2 का जो पेपर है वो ज्यादातर NCERT की बुक से ही आएगा, और अगर आपका पेपर कहीं से भी आए तो भी आपको NCERT की बुक को 100% करना ही करना है। अब पूरी बुक को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं कुछ सेलेक्टेड चीजें बताता हूँ बच्चों। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसका कारण ये है कि बहुत अच्छे बच्चे कई बारी अच्छे बच्चों की बात भी कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि हम इतने वीक नहीं है, वो थोड़े से NCERT की बुक को करने में, NCERT की बुक के क्वेश्चंस को करने में लापरवाही दिखाते हैं, उसे छोटी बुक समझते, उन क्वेश्चंस को बहुत आसान क्वेश्चन समझते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NCERT की बुक में, NCERT के एग्जांपल्स में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बच्चे पढ़ते तो हैं पर बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड का एग्जाम देने का मतलब है मार्क्स भी ज्यादा से ज्यादा लाना। नॉलेज का होना अलग चीज है और मार्क्स का लाना अलग चीज है। तो मैंने कुछ NCERT बुक से यहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो फिर आपकी NCERT की बुक की तैयारी हो जाएगी। चलिए मैं चलता हूं आपके लिए बुक की तरफ। चैप्टर नंबर 4 सबसे पहला चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। यहां पर जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है बहुत इजी है, केवल ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसका पहले क्वेश्चन का 4th, 6th और 8th पार्ट आप जरूर करिएगा, दूसरे क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट आप जरूर करिएगा। इसी तरीके से जो एक्सरसाइज है 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट और 4th पार्ट जरूर करिएगा, और जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरीके से एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आप जरूर करिएगा, और जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका एग्जांपल नंबर 18 और जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप 100% जरूर करके जाएं, आपको बहुत बेनिफिट बच्चों मिलने वाला है। चलिए, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर जो है पेन पेपर टेस्ट से होगा, इसका मतलब इसमें स्टेप मार्किंग होगी, और आपको इस बात से जरूर डरना तो नहीं चाहिए पर ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर 14 क्वेश्चन में से आधा आधा नंबर आपका कट जाता है किसी भी छोटी सी वजह से या प्रेजेंटेशन की वजह से, तो आपके 7-8 नंबर कम हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चों सदा से ये इतिहास रहा है कि चाहे पूरा का पूरा पेपर भी NCERT की बुक से हो, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर चैप्टर होता है तो उसका क्वेश्चन थोड़ा ऐसा टेढ़ा जरूर आता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ही अलग चैप्टर है, बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। इसका देखिए जो 5.2 एक्सरसाइज है उससे पहले 2 एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 जरूर करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 13, 16 और 17 की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। जो एक्सरसाइज 5.3 है वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, 9, 13 और 14 जरूर करें, ये तो आपको पता ही है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि जो सम ऑफ AP के जो क्वेश्चन हैं जो एप्लीकेशन टाइप के हैं वो
आपकी डिलीटेड पोर्शन में, यानी कि वो बोर्ड में नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इसमें लगभग क्वेश्चन ज्यादातर एक जैसे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 और जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6, 8, 12, 14, 15 और 16 जरूर करें। करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी में बताया हुआ है, या मेरे चैनल पे आप हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिगर का बनाना यहाँ पर बहुत कंपलसरी है, 2 ट्राइंगल का लेना कंपलसरी है, और ये और भी जो वीडियोज है मैं लगातार लाता रहूंगा। चलिए अगले चैप्टर पर चले जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही आने वाला है। इसमें थ्योरम नंबर 10.2 जरूर करें। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बारी आते हैं बच्चों, और जो क्वेश्चन है वो 6, 7, 8, 9, 12 और 13 अवश्य करें। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पर, और वो चैप्टर है 11 यानी कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो एक्सरसाइज 11.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लाइन को किसी रेशियो में तोड़ना जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसा जरूर है, तो उसे जरूर कर ले। सॉरी, और जो आपकी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज की आपकी 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करें। इन्हीं में से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 पर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से फ्रस्टम जो पार्ट है यानी कि 13.4 बिल्कुल पूरी तरीके से कटा हुआ है। अब आप देखें कि इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 और 11, और इस फिर इसी तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8, 9 और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 और 9। तो इन क्वेश्चन को बच्चे आप जरूर 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 करें, हर किसी हालत में करें। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जैसे आप बोर्ड के नजदीक आते चले जाएं, यानी कि आपके मैथ के पेपर के करीब आते चले जाएं, 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो वहां पर एनसीईआरटी की प्रैक्टिस जरूर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरी 9 बजे जो क्लास है वो 10th क्लास के लिए, उसमें जरूर आए। रामरूप शर्मा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।